कि अगर किसान और जवान ना हो तो देश तो बच ही नहीं सकता। प्रेमी सज्जनों, लेकिन एक अफसोस की बात यह भी है कि जो जवान सीमा पे हम सबकी रक्षा करते हैं, लोग तो उनके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगे हैं। बड़े शर्म की बात है प्रेमी सज्जनों। लेकिन सभी से मेरा एक प्रश्न है, आप ही बताओ कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं और अपना खून बहाकर टीका सरहद का कर जाते हैं? अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, तब जाके ये देश बच सकता है। वरना तो कहां तक किसान बचाएगा, कहां तक जवान बचाएगा? प्रेमी सज्जनों, एक रागनी का आदेश दिया गया। सबसे पहले पंडित लक्ष्मी चंद जी द्वारा लिखित ये रागनी मैं आपको सुनाती हूँ कि इस दुनिया में कौन सा जीव किस चीज में मगन रहता है, किस चीज से सबसे ज्यादा राजी रहता है। क्या लिखा है सुनिएगा रागनी का। देने वाले के लिए जो देता है वो दान में बड़ा राजी रहता है कि दाता राजी दान करण में, और मुंजी राजी धन में। हे रविशि अरे राजी बीन सुनन में, शेर बखेरे बड़े में।
जी राजी धन में और विषय राजी बीन सुनन में शेर बघेरे बन में। अगर रागनी के शब्द आपकी समझ में आ रहे हो तो मुझे एक बार हाथ उठा के बताना जी। आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रागनी के शुद्ध हिंदी के शब्द हैं, वैसे तो कोई ज्यादा ऐसी वैसी भाषा नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में सारी रागनी है। दूसरी कली में बड़े ही सुनने की बात लिखी पंडित लक्ष्मीचंद जी ने, और क्या बताया सुनिए। पहाड़ गुफा में साधु राजी, पहाड़ गुफा में साधु राजी, जाके धुनी पर नारी में राजी, चाहे पदम में ब्याहदी मेरा चार पुरुष पर नारी में राजी, चाहे पदम ब्याहदी चतुर पुरुष पंचों में राजी, चतुर पुरुष पंचों में राजी, संकट में अपराधी चुगल खोर चुगली में राजी, सोती राड़ी जगा बना दी है। लोग ये कहते हैं कि भाई अपने बच्चे और दूसरे की औरत सबको अच्छी लगती है, नहीं गलत बात है। ये सच्चाई है कि अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि दूसरे की औरत भी सबको अच्छी लगती है। होता है कोई कोई इंसान जिसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, जो अपने धर्म से भटक जाता है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। और एक कवि ने लिखा भी है, हर इंसान ता जिंदगी के लिए अपने पल्ले में गांठ मार के ये बात रख लेना, हमेशा काम आएगी, कि बंदे जो सुख चाहे तू इस जीव का, तो बस चीज छोड़ दे चार, क्या चोरी चुगली जामनी तो और पराई नार। क्यों? क्योंकि चोरी कैद कराए दे और चुगली कर दे ख्वार, ये तो घर लुटवा दे जामनी और सर कटवा दे नार। अरे ये पड़त्रिया पेनी छुरी ये तीन जगह ते खाए, घर लुटे जोवन घटे और लाज कुटम की जाए। अगर सही है ना बात, हाँ तो ये हमेशा याद रखना। और एक चुगलखोर आदमी ऐसा होता है, सुबह से शाम तक जब तक किसी की किसी से चुगली नहीं कर लेगा ना, खाना ही नहीं पचता उसका। ये भी सच्चाई है कि दूसरे की औरत तितली की तरह होती है, फूल का रस निकाला और उड़ गई, लेकिन अपनी घरवाली मधुमक्खी की तरह होती है, डंक तो मारती है लेकिन शहद भी देती है। और तीसरी कली में क्या बताया सुनिए। खुशबू आ जा श्याम चकुर चंदा में राजी, कदसी ससी हजा मिर्गा राजी रहे कस्तूरी में मिर्गा।
हदीस अमृत फलने एक मांस खवैया के जाने और बढ़िया घोड़ी की कीमत एक गधी चरैया के जाने। अरे पंचायत और पंचों ने चूल्हे का बठैया के जाने और पति परमेश्वर की सेवा बेशरम लुगैया के जाने। जो पतिव्रत औरत होती है वो किस तरीके से अपने पिया पे अपने प्रीतम पे राजी रहती है, लास्ट कली में क्या लिखा है सुनिएगा क्या बताया। इंद्राणी वो इंद्राणी इंद्र पे राजी, इंद्राणी इंद्र पे राजी, पार है मास रहे से गोरा राजी भोले पे काशी कैलाश रहे से। विश्वमोहिनी विष्णु पे राजी हरदम पास रहे से, पतिवरता प्रीतम पे राजी जो पति की दास रहे से। पतिवरता प्रीतम पे राजी जो पति